हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। दे बेटर है, छोटू भी अच्छा है, धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, उसका सारी चीजें जो उसके वाइटल्स वगैरह है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल आ गए हैं। आप लोग ढेर सारी दुआ कर रहे हो छोटू के लिए कि वो जल्दी से मेरे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। सो यस, वो चीज़ है। शुएब ने 9 ज़िल हज का रोज़ा रखा और इसके बाद दीपिका के साथ ही इफ्तारी की हॉस्पिटल में और फिर वहां से घर के लिए चले गए क्योंकि दीपिका के पास उनकी फ्रेंड्स रहने के लिए आ गई थी। देखो यहां पे कौन आया है, अनुषा जो मैंने बोला था कि आने वाली है, ये यहां पे सब अपना ले। और फिर मैं सबको लेके निकला और दीपिका को वीडियो कॉल करके बता रहा था कि हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। ये मेरे पास न्यू वाला मैंने रखा था, थोड़ा ऐसे शिमर वाला है, तो मैं सोचा था ईद पे ये पहनूंगी। तो मेरी ईद जो है वो यही है और आज मुझे सबसे प्यारी ईदी मिली है अल्लाह की तरफ से कि मैंने पहली बार अपने बच्चे को अपने हाथों में लिया है और अपने गले से लगाया है। दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट गिफ्ट दैट आई कुड हैव गॉट फ्रॉम अल्लाह। तो ये देखिए, यहाँ सब लोग आए हैं मुझसे मिलने के लिए। मम्मी रिजा यहाँ पे बैठी हैं, अम्मी ये शोएब वापस आ गए और ये रेहान। मुझे आज अपनी सबसे 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 अच्छी वाली आई थिंक ईदी मिली है। ईद के दिन मैं वहीं थी तो डॉक्टर ने बोला हाँ ही इज डूइंग फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द कैंगरू टच। सो कैंगरू टच इज बेसिकली थेरेपी काइंड ऑफ अ थिंग दैट दे डू, कि वो बेबी को देते हैं और बेबी को यहाँ पे मदर के यहाँ रखते हैं ताकि वो टच बेबी को मिले, वो वॉर्म्थ मिले, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें बेबी में जो है वो इम्प्रूव होती हैं। तो आज से हमने वो स्टार्ट किया है एंड जैसे ही डॉक्टर ने बोला तो आई वाज लाइक ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं, मैं वर्ड्स में शायद नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगी। काफ़ी मदर्स जो हैं वो, सभी मदर्स एक्चुअली मुझसे पूरी तरह से रिलेट करेंगी कि हाँ, सो जब मैं उसको यहाँ रखी थी वो आराम से सो रहा था, कुछ 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 हरकत कर रहा था, तो दीपिका बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनकी बेबी की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही थी। और शोएब और दीपिका ने खुशी खुशी ईद सेलिब्रेट की अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल में ही। सब ने फोटोशूट किया और एक नए मेहमान के आने की सबके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मोर अपडेट्स के लिए कमेंट्स में यस लिख दें। बहुत बेटर है और डे बाई डे इम्प्रूव हो रहा है। उसका फीडिंग भी जैसे बताया था, क्वांटिटी तो उसकी धीरे धीरे बढ़ रही है और वो उसको अच्छे से ले रहा है, तो इंशाल्लाह ऐसे ही रहा तो 4-5 दिनों में इंशाल्लाह वो आ जाना चाहिए हमारे पास। तो बस यही है, कर रहे हैं वो सब के लिए दिल से थैंक यू एंड बस बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ईद मुबारक। और आप सभी को हमारी सबकी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप सबको खुश रखे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है वो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पर उसको प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, हंसी मजाक कीजिए, खुश रहो, बस सबके लिए दुआ करो, सबके लिए दुआ करो और हमारे लिए भी दुआ करो। अल्लाह हाफिज़।